इकरा अजीज ने शादी के बाद शोबिज को छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन अब 2 साल बाद इकरा अजीज शोबिज इंडस्ट्री में क्यों वापस आना चाहती हैं और किस नए ड्रामा में नजर आएंगी, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इकरा अजीज का शुमार उन अदाकारों में होता है जिनका कोई भी ड्रामा अभी तक फ्लॉप नहीं हुआ और उनका हर ड्रामा ही सुपरहिट होता है। मदा उनके नए आने वाले ड्रामा का बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन यासिर हुसैन से शादी के बाद इकरा अजीज ने शोबिज इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला कर लिया था, जिसे सुनकर उनके मदा काफी अफसरदा थे क्योंकि वो उनको टीवी स्क्रीन पर देखना चाहते थे। कबीर हुसैन की पैदाइश के बाद इकरा अजीज का अपने एक इंटरव्यू में ये कहना था कि मुझे बच्चे शुरू से ही बहुत पसंद हैं और यही वजह है कि वो अब अपना सारा टाइम अपने बेटे और शौहर यासिर हुसैन को देना चाहती हैं। रिसेंटली इकरा अजीज ने अपने मदाहों को बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। इकरा अजीज ने बताया कि वो जल्दी ही एक थी लैला ड्रामे में नजर आने वाली हैं। मदा उनको टीवी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं और ये सब सुनकर काफ़ी खुश हैं। आपको इकरा अजीज के आने वाले ड्रामे के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।